नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, फ्रॉक में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 7 फंदा एक्स्ट्रा। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2, ऊन दूसरी ओर, तीसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। तो ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, तीसरे फंदे को स्लिप करना है, ऊन अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, 5 फंदा हुआ, फिर ऊन दूसरी ओर और 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। अब फिर रिपीट पैटर्न, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर, चौथा फंदा उल्टा, पांचवा फंदा उल्टा और अगले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। लास्ट में 6 फंदे बचेंगे, तो ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमने पहला लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अब 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, और जो 5 फंदे हमने सीधा बुने थे उन्हें अब हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू होगा। अब देखिए, जहाँ पे हमने 2 फंदा, 1 फंदा स्लिप किया था, फिर 2 फंदा उल्टा बुना था, तो इन 5 फंदों को हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। जिन फंदों को हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था उन्हें हम रॉन्ग साइड से सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 5। तो हम पूरी सिलाई में इन्हीं 10 फंदों को दोहराएंगे। अब लास्ट में 6 फंदे बचेंगे, तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने अपना दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा, 1 2, ऊन दूसरी ओर,
तीसरा फंदा हमें स्लिप करना है उन अपनी ओर, फिर दो फंदा उल्टा, यानी जैसे हमने पहली लाइन में बुना था हमें इन पांच फंदों को वैसे ही बुनना है। अब ये हमने लपेट के उल्टा बुना था तो इन्हें हम खोल लेंगे। तो पांच लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे, इन पांचों फंदों को हम बाईस लाइन में कर लेंगे और फिर पांचवें की तरफ से हम सिलाई डालेंगे और पहले की तरफ निकालेंगे, यानी सामने की तरफ से इसे हम सीधा बुनेंगे और पांच से पांच फंदा बनाएंगे, एक उन अपनी ओर, फिर इन्हीं में एक बार और सीधा बुनेंगे तो ये हो गया तीन, फिर उन अपनी ओर करेंगे चार और फिर इन्हीं में एक बार और सीधा बुनेंगे तो ये हो जाएगा पांच। तो पांच से हमने पांच फंदे बना लिए, अब इन्हें गिरा लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दस फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, अब देखिए पांच फंदे हैं तो दो फंदा उल्टा है, इन्हें दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, तीसरे फंदे को स्लिप करना है उन अपनी ओर, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, तो ये पांच फंदे हमने बुन लिए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अब पांच लपेटे हुए फंदे हैं इन्हें हम खोलेंगे, पांचों को एक साथ लेते हुए पांच से पांच फंदा बनाना है। तो ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और पांच फंदा बनाएंगे, एक उन अपनी ओर दो, फिर इन्हीं पांचों में एक बार और सीधा बुनेंगे तो तीन, फिर उन अपनी ओर चार, फिर इन्हीं पांचों में एक बार और सीधा बुनेंगे तो ये हो जाएगा पांच। तो पांच से हमने पांच फंदे बना लिए। अब लास्ट में छह फंदे बचेंगे तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा उन दूसरी ओर, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे उन अपनी ओर, फिर चौथा फंदा और पांचवा फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब देखिए इन पांच फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच, तो टोटल हो गए छह फंदे। अब देखिए ये पांच फंदे जिनसे हमने पांच से पांच फंदे बनाए थे तो उन अपनी ओर करेंगे, अब दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो, तो लपेटे हुए पांच फंदों में हमने दो फंदा उल्टा, बीच का फंदा, तीसरा फंदा स्लिप किया, फिर दो फंदे उल्टे, दो उल्टा, फिर स्लिप किया, फिर दो उल्टे, तो लपेटे हुए पांच फंदों को हमने इस तरह बुना। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले लाइन में हमने दो उल्टा बुना था, फिर स्लिप किया था, फिर दो उल्टा, तो इन पांच फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और अब ये पांच फंदे उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, यानी इस डिजाइन के ऊपर आ जाएंगे और इन्हें हम बुनेंगे दो उल्टा, फिर स्लिप, फिर दो उल्टा। अब फिर ये पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दस फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे, तो ऊन को दूसरी ओर करेंगे और देखिए ये दो उल्टा, एक स्लिप, दो उल्टा, इन पांच फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, और ये देखिए डिजाइन वाले फंदे, तो इनमें हम बुनेंगे दो उल्टा, फिर स्लिप करेंगे और फिर
दो उल्टा। अब फिर पांच इन्हीं 10 फंदों को हम दोहराएंगे, तो 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और जहां हमने 5 से 5 बनाए थे, तो यहां पे हम 2 उल्टा स्लिप करेंगे और फिर 2 उल्टा। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लास्ट में देखिए 6 फंदे बचेंगे, तो सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का 6ठा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब जिन 5 फंदों को हमने सीधा बुना था, उन्हें हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 2 उल्टा 1 स्लिप, 2 उल्टा जिन्हें बुना था उन्हें हम पीछे से उल्टा बुन लेंगे। तो फिर अब यहां से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, यानी 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और 5 फंदों को नॉर्मली उल्टा। ध्यान दीजिएगा, जहां हमने नॉर्मली सीधा बुना था सामने की तरफ से, उन्हें ही हमें पीछे की तरफ से लपेट के उल्टा बुनना है। और जहां पे हमने 2 उल्टा 1 स्लिप 2 उल्टा बुना था, उन्हें हमें पीछे से नॉर्मली उल्टा बुनना है। लास्ट में 6 फंदे बचे हैं, तो 5 फंदा हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और लास्ट फंदा उल्टा। अब ये हमारे डिजाइन का 7वां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब लपेटे हुए 5 फंदों को हम खोलेंगे और 5ों को एक साथ लेते हुए हम 5 फंदे बनाएंगे। 1 ऊन अपनी ओर, 2, 3 ऊन अपनी ओर, 4 और फिर इसी में एक बार और हो गया 5। तो 5 से हमने 5 फंदे बनाए। अब इसे गिरा देंगे। इन फंदों को हम पिछली लाइन की तरह ही बुनेंगे, यानी कि 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 3रे फंदे को स्लिप करना है, फिर उन अपनी ओर और 2 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लपेटे हुए 5 फंदों को खोलना है और 5ों को एक साथ लेते हुए 5 से 5 फंदे बनाने हैं सीधा बुनते हुए। 1 फिर 2, 3 उन अपनी ओर, 4 और फिर एक बार और सीधा बुना, तो हो गया 5। 5 से हमने 5 फंदे गिरा बना लिए। अब इसे गिरा देंगे। अब देखिए ये 5 फंदे हैं, तो इन्हें हम पिछली लाइन की तरह ही बुनेंगे, यानी कि 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 3रे फंदे को स्लिप करना है, उन अपनी ओर 4था फंदा उल्टा और 5वां फंदा भी उल्टा। लपेटा हुआ फंदा खोलेंगे, 5 से 5 फंदा हम बनाएंगे, से सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और 5 से 5 फंदा हम बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 से 5 फंदे बन गए। अब इसे गिरा देंगे। उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर फिर 2 फंदा उल्टा। तो इन्हीं 10 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में 6 फंदे बचे हैं तो उन दूसरी ओर लपेटे हुए 5 फंदों को खोलेंगे। और पांचों को एक साथ लेते हुए 5 से 5 फंदे बनाएंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमने लाइन कंप्लीट कर दी। रॉन्ग साइड से ये हमारे डिजाइन का 8वां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो 8वें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो 10 फंदे का और 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। बनाना बहुत ही आसान और बनने के बाद बेहद खूबसूरत। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा डिजाइन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, यदि अच्छा ना लग रहा हो तो कृपया डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।